बिल्कुल मेरे लड़का भावा। ओ अंकल जी, तुम्हारा दिमाग तुम्हारी गीटिया चाहेगा, तुम्हारे बाथरूम च पानी नहीं आ रहा, जाओ देखता हूँ टैंकी। अच्छा जा जा, एक सेकंड, घर तो मेरा है, हैं? एक बात बता, रहता तो ऊपर है, नहाता यहाँ पे है, चल क्या रहा है ये? हाँ, एक बार उसका रूममेट वापस आ गया तो मैं यही शिफ्ट हो जाऊंगा, उसके बाद हम सब बीजेपी फैमिली के अंदर रहेंगे। और मुझे पता है आप सबसे ज्यादा मुझसे प्यार करते हो, चलो जल्दी जा पानी लेके आओ। अरे चोरी होगी, चोरी होगी, चोरी होगी, कमला के डर। मुझे कमला को गिफ्ट देना था, तुम में से किसने चुराया है बताओ। सच सच बताओ, किसने चोरी करे? कान के बंदे, रिंग, किसने चोरी करी? पापा जी, मैं लड़कियों की शर्ट नहीं रखते, कान के बंदे। लड़की पटाने के तो शौक रखता है। पापा जी, मैंने चोरी नहीं की, मैं तो आपके कमरे में ही नहीं गया। अरे जिनको अपने रखा हुआ ना, उनसे पूछो, नहाने के बहाने चीजें ना चुराएं यहाँ पे। तुम दोनों ऐसे नहीं मानोगे, आज तक तो मैं अपने हाथ मलता रहा, आज मैं बुलाऊंगा डिटेक्टिव, तुम दोनों की खटखड़ी करूंगा। अभी कॉल करता हूँ, कॉल करता हूँ। अरे अंकल जी, डिटेक्टिव को क्यों बुला रहे हो यार? अभी घर में मिल जाएंगे यार, कहीं इधर कहीं नक्का होगा ये डिटेक्टिव। अभी अपनी बात कर रहे हो के डिटेक्टिव बुलाने से? जब से डिटेक्टिव का जिक्र हुआ है, तब से तेरे कंधे क्यों उड़े हुए हैं? अरे कहीं चोरी तो नहीं करी? अगर तेरी चोरी करी है तो डायमंड दे दे वापस। डिटेक्टिव आया ना तो न जाने कहाँ हाथ डालेगा और कहाँ से डायमंड निकलेगा। अल्लाह वही मैं। मिस्टर तुफानी। हे अली, आप जी? आई एम डिटेक्टिव शमी शर्मा, मैं कल खुशी हुई। चोरी क्या हुआ है? डिटेक्टिव, कल रात को मेरी अलमारी में से रिंग और झुमके चोरी हुए हैं, जो डायमंड के थे। और मुझे दो बंदों पे शक है, एक मेरा बेटा और एक दूसरा निठल्ला जोको। इन दोनों से पूछना आपका काम है। अपने 20 साल के करियर में ये रिकॉर्ड है कि मैं आज तक कोई भी केस जीती नहीं हूँ। ये वाला मुझे जीतना है। हम स्टार्ट करते हैं इन्वेस्टिगेशन। वही मुझे पूछताछ के लिए क्यों नहीं बुला रही? लग रहा है ज्यादा टाइम तक मुझसे बात करना चाहती है। लेकिन ये मुझसे क्या पूछताछ करेगी? मैं ना आई लव यू बोल के भाग के आ जाऊंगा। पता नहीं ये सच है या सपना। तुम्हें मुझ पे यकीन तो है ना? है, मुझे पूरे पूरे यकीन है कि चोरी तूने की। मेरी आंखों में देखो, कहो कि तुम्हें मुझ पे यकीन है। मुझे तुम पे पूरे पूरे यकीन है कि चोरी तुमने की। मैंने चोरी नहीं की यार। तुझे बुला रही है ये डिटेक्टिव है या कहीं की एक्ट्रेस? मेरा नंबर आ गया। तो क्या कहा तुमने कि तुम कमरे में नहीं गए? आप क्या कह रहे हैं? मैंने कहा ना आपको मैं कमरे में नहीं गया। मैं सिर्फ सच जानने की कोशिश कर रही हूँ। हाँ तो मैं भी सच ही बता रहा हूँ। वो आदमी 500 से 600 बार अपनी चाबियों की जगह बदल चुका है, और मानो जैसे उसने अलमारी में खजाने सिल के रखे हो। आप समझ रहे ना मैं क्या कह रहा हूँ? आपको यकीन नहीं आ रहा? आपको यकीन नहीं आ रहा? आपको अपनी विचारधारा को बदलना होगा, बदलना होगा। जिस तरह से तुम बौखला रहे हो, वो साफ जाहिर कर रहा है कि तुम कमरे में गए थे। बिना छुपाए सच बता दो, क्योंकि तुम जितना झूठ बोलोगे उतना इस केस में फंसोगे। हाँ मैं गया था उस रात कमरे में। बुड्ढा चालू है बहुत, और उसका बेटा
उससे भी बड़ा चालू। मैं सिर्फ उस रात को गया था कमरे पे, तो 2:30 बज रहे थे शायद रात के, तो मैं गया। मैं सिर्फ अपना वसीयत पे नाम चेंज करने का था और कुछ नहीं। मैंने उनके बुंदे बुंदे और रिंग विंग कुछ नहीं चुराया। मैं सच कह रहा हूँ। कुछ सवाल पूछोगे उनका सही सही जवाब? सही सही जवाब देना। सब छेड़ो, इन्वेस्टिगेशन वगैरह तो होती रहेंगी। शरबत कैसा लगा आपको हमारे यहाँ का? चलो भी पॉइंट पे आ जाते हैं। तो मैडम, द थिंग इज कि 20 सालों में आप कोई केस नहीं जीते हो, जैसे कि मैंने सुना। आपकी खातिर ना, आपको सिर्फ ये केस जितवाने की खातिर ये इल्जाम मैं अपने सर ले लेता हूँ। आप केस जीत जाओगे और एक हफ्ते बाद मेरी बेल हो जाएगी, उसके बाद आते ही मैं शादी कर लूँगी आपसे। हाँ, शौक से। पर मैं तुम्हें एक बात बता दूँ योंडा, कि लॉ के रूल थोड़े से चेंज हो गए हैं, क्योंकि अब तुम्हें चोरी के लिए फांसी पे लटकाएंगे और मैं तुम्हें पूरे 2 बार फांसी की सजा दिलवाऊंगी। आप मुझे सच सच बताओ कि तुम उस रात कमरे में गए थे कि नहीं? हटून गई का? वी मैडम, अब मैंने आपको सब सच सच बताता हूँ। हाँ, मैं इस रात कमरे में किया था, पर मैं तो रात कमरे में जाता हूँ, अब हर दिन तो चोरी नहीं होती ना। दरअसल बात ये है कि मेरा बुढ़ा बाप मेरे नाम वसीयत कभी नहीं करेगा, और मैं रोज वसीयत चेक करने जाता हूँ कि इसमें मेरा नाम है कि नहीं। कल भी था, हमेशा होता है। ये देख के मेरे को सुकून की नींद आती है मैम। यही सच है, मैं बाप से प्यार नहीं करती, आपकी कसम खा के कहता हूँ। यू मैं कौन हूँ? सुखवानी जी, आपका नौकर रामू यही रहता है। और कहाँ जाएगा मैडम, मेरे पास ही रहेगा ना, मेरे जिगर का टुकड़ा है वो। तो सुखवानी जी, आपने बताया क्यों नहीं कि वो प्राइम सस्पेक्ट तो रामू ही हुआ फिर? वाह डिटेक्टिव वाह, शायद आपने राजेश खन्ना की अवतार मूवी नहीं देखी। अगर देख लेते तो ऐसा लालचन नहीं लगाते। मुन्ना है वो मेरा, 2 महीने पहले आया था मैं उसको। खाना तो ऐसे बनाता है जिसे मास्टर शेफ फील कर दे। खाया नहीं आपने शायद, वो तो बिल्कुल नहीं कर सकता चोरी। इन्हें दोनों में से किया होगा किसी ने। समझ रही हूँ आपकी बात। क्राइम इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से जिस पे सबसे ज्यादा शक हो मुझे वही निकलता है सुखवानी जी। और ACP प्रद्युमन का भी यही कहना है। नमस्ते मैम शाह। रामू, तुम यहाँ कब से काम कर रहे हो? जब से शाह की लॉटरी लगी है। और शाह जी की लॉटरी कब से लगी है? शाह जी की लॉटरी करीब मैम शाह 2 महीना पहले लगी थी। अच्छा, मुझे ये बताओ कि वारदात के वक्त तुम कहाँ थे? मैंने कुछ नहीं देखा, मैं किचन में था। अरे मतलब किसी को अंदर जाते? मैंने कुछ नहीं देखा, मैं किचन में था। किसी को बाहर आते? मैंने कुछ नहीं देखा, मैं किचन में था। किसी की आहट? मैंने कुछ नहीं देखा, मैं किचन में था। कब तक किचन में रहेगा रामू, अब तो बाहर आ। चोरी हो गई, डाका डल गया, तू तो किचन से आ जा मेरे भाई। किसी को सोते हुए देखा था रूम में? मैंने सिर्फ शाह जी को सोते हुए देखा था। इसका मतलब तू रूम में गया था? नहीं नहीं मैम शाह, मैं पहले दूध देना भूल गया था, इसलिए मैं दोबारा गया। जब तक मैं गया तब तक शाह जी सो गए थे। मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रही हूँ रामू, तुमने किसी को रूम में देखा, कुछ आहट सुनी, कुछ भी तुमने महसूस किया हो मुझे बताओ। जी मैम शाह, मैंने किसी को देखा तो था, लेकिन मैं उसको ढंग से नहीं देख पाया, अंधेरा बहुत ज्यादा था। मैंने उसकी 2 आंखें और 2 पैर देखे, तो तकरीबन सभी के होते हैं। तुमने उसकी आंखें देखी? और ठीक है, तो फिर हम स्केच बनवाते हैं। स्केच बनवा दोगे ना? जी मैम शाह। मैडम, मैं क्या कह रहा था, जैसे कि चिचुंदर ने कहा कि स्केच बना लो, तो आप देख कर क्यों नहीं स्केच बना लेती? मेरा मतलब है, मैंने अपने बाप के रूम में CCTV कैमरा लगा के रखा हुआ है, तो आप ऐसा हार्ड वर्क करो कि स्मार्ट वर्क करो, देख कर तस्वीर बना। अबे तू पहले क्यों नहीं बताया, तूने CCTV लगवा रखा है कमरे में। शौक चढ़ा है अपनी तस्वीर बनवाने का, शौक चढ़ा है।
कहानी कुछ और। आप नींद में चल रहे थे इसलिए आप पर कोई कार्यवाही नहीं होगी, आपको बाइज्जत बरी किया जाता है और मेरी जो फीस है वो आप मेरे अकाउंट में डाल दीजिएगा। बाइज्जत मैं चलती हूँ। आपके बैंक अकाउंट में।